अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? सब खैरियत से हैं आप लोग? अच्छा भाइयों, देखें आज मैं जो आपको अपनी एवरी का विजिट करा रहा हूँ, बेसिकली इसके अंदर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला यार आपकी बर्ड्स की विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो हमें दिखाएं आपकी एग्जैक्टली पेयरिंग क्या हुई है। तो मैं आज आपको पेयरिंग दिखा रहा हूँ, कुछ अपडेट्स हैं वो बताऊँगा। माशाल्लाह मेरे सारे जितने भी बर्ड्स हैं वो सब मैंने लिए थे पट्टे, एक्सेप्ट कुछ पेयर्स के, ठीक है, वो दो या तीन होंगे मैक्सिमम, बाकी सारे मेरे पास पट्टे थे। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो डाले हैं मेरे पास पार्बलूस पेटिनो एल्बिनो है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारा बॉक्स नंबर वन है और यहाँ पे हमारा माशाल्लाह ये पेयर है, पार्बलूस पेटिनो की फीमेल है और एल्बिनो रेड आई का मेल है। माशाल्लाह दोनों अच्छे साइज में खूबसूरत हैं। इनकी अगर मैं आपको अपडेट दिखाऊँ तो इन्होंने नेस्टिंग वेस्टिंग करके माशाल्लाह इनके तकरीबन 5 एग हैं और हैचिंग होने वाली है बहुत जल्द। एक हमारा एक और पेयर ही है, ये एल्बिनो रेड आई का मेल है, ये भी बॉक्स केज नंबर 2, और ये हमारी फीमेल है माशाल्लाह। इसके 4 एग्स से 2 चिक्स निकल गए, 2 एग्स रह गए। ये हमारा है पेयर नंबर 3, इनकी अभी लेइंग नहीं हुई है, लेकिन ये भी हमारा पेयर है माशाल्लाह, अच्छा पेयर है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है, ये चेक करेंगे, हमारा सेम पेयर पार्बलूस पेटिनो एंड एल्बिनो रेड आई बॉक्स केज नंबर 3। केज नंबर 4 का मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्या है। केज नंबर 5 में आए थे, यहाँ पे भी सेम अपडेट है, पार्बलूस पेटिनो एल्बिनो रेड आई माशाल्लाह। केज नंबर 6 में भी हमारे पास पार्बलूस पेटिनो एंड एल्बिनो रेड आई, और केज नंबर 7 में भी हमारे पास माशाल्लाह पार्बलूस पेटिनो का ये मेल है अच्छा, और इसके अंदर एल्बिनो रेड आई की फीमेल है, और इसमें माशाल्लाह बच्चे भी हैं। इतना मुझे याद है इसकी फीमेल बड़ी डेंजरस है, वो करीब नहीं आने देती। इसमें माशाल्लाह इसमें हमारे पास 3 चिक्स हैं और ये हमारे अच्छे चिक्स हैं। केज नंबर 8 में बाद में दिखाता हूँ क्या है। लेट्स मूव ऑन टू केज नंबर 9। यहाँ पे भी माशाल्लाह हमारे पास बहुत ही खूबसूरत मास्किंग में पार्बलूस पेटिनो की फीमेल है और एल्बिनो रेड आई का मेल है। यहाँ पे भी हमारे पास केज नंबर 10 में पार्बलूस पेटिनो की फीमेल है और एल्बिनो रेड आई का मेल है। यहाँ पे आए थे, यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास एल्बिनो का पेयर है, और ये है केज नंबर 11। इसके माशाल्लाह बड़े अच्छे से एग्स हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके माशाल्लाह हमारे 4 एग्स हैं, इसकी भी हैचिंग होने वाली है बड़ी जल्दी। केज नंबर 12 में मेरे पास फॉस्टर पेयर है मेरा, जिसके अंदर मेरे पास बच्चे पल रहे हैं माशाल्लाह, 4 बच्चे मैंने इसको फॉस्टर किए हैं, एग्स फॉस्टर करे थे मैंने इसके, तो माशाल्लाह 4 बच्चे निकल गए और एक एग अभी नहीं निकला है, हैच नहीं हुआ है। तो ये 4 एग्स जो हैं, ये मेरा एक पेयर था ब्लू पर्सनाटा एल्बिनो रेड आई, ये उसके अंडे हैं, वो ब्लू पर्सनाटा के मेल मैंने हटा दी थी, जो मैंने अपनी वर्किंग थोड़ी सी चेंज करी है। बाकी यहाँ पे आ जाते हैं, ये केज नंबर 13, और यहाँ पे मेरे पास पेयर है ग्रीन फिशर, जो कि स्प्लिट ऑफलाइन और पॉसिबल ब्लू है, ठीक है, ये कन्फर्म ब्लू नहीं है, ये मुझे बता के दिया है उन्होंने, और इसके अंदर फीमेल भी है हमारी, नहीं रही आई थिंक बाहर, चलें फीमेल दिखाता हूँ मैं इसकी आपको। ये हमारा पेयर है माशाल्लाह, ये ग्रीन ऑफलाइन है, पॉसिबल ब्लू है और पार ब्लू यूविंग की इसके साथ फीमेल है माशाल्लाह। इनकी नेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, केज नंबर 14 है, इनकी लेइंग तो नहीं हुई है शायद अभी तक, नेस्टिंग बड़ी प्यारी करी हुई इन्होंने, ये माशाल्लाह ये नेस्टिंग है, अभी कोई एग नहीं है। ये हमारे पास नेक्स्ट केज जो है वो है केज नंबर 15, और यहाँ पे मेरे पास जो पेयर है वो है ग्रीन यूविंग ऑफलाइन मेल स्प्लिट ब्लू और पा ब्लू, एंड जो इसकी फीमेल है माशाल्लाह वो है पार ब्लू ऑफलाइन, बाहर आ गई है, तो माशाल्लाह इसके भी एग्स हैं। और केज नंबर 16 में क्या है ये मैं बाद एंड में दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास एल्बिनो रेड आइस का एक पेयर है, यहाँ पे भी अलहमदुल्ला हमारे पास केज नंबर 18 में एल्बिनो रेड आइस का एक पेयर है, के भी माशाल्लाह एग्स हैं 4, ये हैचिंग करीब होगी। यहाँ पे भी माशाल्लाह हमारे पास एल्बिनो रेड आइस का एक पेयर है, और केज नंबर 20 जो है मैं बाद में दिखाऊंगा। बाकी ये मेरे पास कुछ फॉस्टर पेयर हैं, इसमें क्रीमेनो और रोजी कोली क्रीमेनो लुटिनो का पेयर है, इसमें भी रोजी कोली क्रीमेनो और लुटिनो का पेयर है। ये मेरे पास फिशर का पेयर है माशाल्लाह, और ये मेरा फॉस्टर पेयर है बड़ा प्यारा, ये मेरा क्रीमेनो का पेयर है फॉस्टर पेयर माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा है, थोड़ा शाय है।
लुटिनो वन, लुटिनो वन पेयर है, ये लुटिनो टू पेयर है, इसके नहीं मैंने एग फॉस्टर करे हैं। ये मेरे पास लुटिनो थ्री पेयर है, ये मेरे पास माशाल्लाह एक पर्ब्लू और स्प्लिट इनो की ये फीमेल है, और एक मेरे पास एल्बिनो की फीमेल है। इन दोनों को मैंने फ्लाइंग दी हुई है, ये स्विच होंगी किसी भी फीमेल के साथ लेटर ऑन नेक्स्ट क्लच में। यहाँ पे मेरे पास माशाल्लाह एक ग्रे कॉकटेल का पेयर है, इसके भी चार अंडे आए हैं, ये मैंने शॉप के लिए रखे हुए हैं कॉकटेल। बाकी अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास पेयरिंग है ना, अगर आप और से देखेंगे कि ग्रीन फिशर और एल्बिनो रेड आई, ठीक है, ये ऐसे जो मैंने लगाए हुए हैं वो वन पेयर ये है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्रीम कॉकटेल है। क्रीम कॉकटेल की अच्छी बात पता है क्या है, ये अगर चार अंडे देता है ना माशाल्लाह, तो दो निकालता है इनो बच्चे और दो निकालता है क्रीम। अच्छा, मैं बताता आपके पास मेरे पास फिशर और एल्बिनो रेड आई में क्या वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब लोग बहुत सारे बोलते हैं कि यार स्प्लिट कहाँ से आएंगे, आपके पास तो सारे फिशर के स्प्लिट ही हैं। माशाल्लाह, ये भी अगर आप चेक करेंगे मेरा पेयर है, जो मैं उड़ता एंड में दिखाऊंगा, ये एल्बिनो रेड आई की फीमेल है और फिशर सिंपल फिशर का मेल है, अच्छे साइज और मास्किंग में। ये मेरे पास फॉस्टर पेयर है तो मैं बता चुका हूँ आपको, और ये भी मेरे पास फॉस्टर पेयर है फिशर के। बाकी एक मेरे पास पेयर है यहाँ पे, यस, एल्बिनो रेड आई की फीमेल, ग्रीन फिशर मेल, माशाल्लाह अच्छा साइज और मास्किंग है इसकी बहुत। यहाँ पे एक पेयर और है, एल्बिनो रेड आई की फीमेल एंड ग्रीन फिशर का मेल। तो ये सारी वर्किंग है एल्बिनो फिशरी बनाने के लिए। अच्छा, ये मेरी फीमेल बाहर आ गई है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी फिशरी है, ये मेरी ब्लू फिशरी है और ये रह गई थी। तो ये मेरी जो वर्किंग है वो उसके लिए हो रही है, फिशर्स के लिए, एल्बिनो रेड आई के लिए। ये मेरा छोटा सा सेटअप है, मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या फीडबैक है, दुआओं की दरख्वास्त है। और ये मेरा पहला सीज़न होगा, मैंने बर्ड्स को लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर दिसंबर से ही ख़रीदा हुआ था, तो मुझे अपने सारे बर्ड्स की एजेस, उनकी कारकर्दगी, उनको कब ब्रीड पे लगाना है, क्या हुआ है, माशाल्लाह सब मुझे उसका आइडिया है। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, और मुझे बताइएगा कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई सजेशन चाहिए हो, अगर आप नया अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं खुद नहीं हूँ लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ और माशाल्लाह अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है, आपको नज़र आ रही होगी। तो कोई भी सजेशंस हो बताइए, बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हम सबको इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ ये वाला सीज़न कामयाबी के साथ, अच्छी तरक्कियों के साथ, अच्छे खूबसूरत बर्ड्स अता करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।